हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लास्ट के 2 महीने जो कि अभी बचे हुए हैं उनमें आप कैसी प्रिपरेशन करें जैसे कि आपका जेआरएफ हो जाए। तो चलिए मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर करूँगा आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली जेआरएफ हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास जो 2 महीने बचे हुए हैं उनको डिवाइड कर लीजिए। जो फर्स्ट मंथ है उसमें आपको रिवीजन करना है और जो सेकंड मंथ है उसमें आपको टेस्ट देना है। मैं आपको समझाऊंगा कि रिवीजन आपको कैसे करना है और साथ ही साथ आपको टेस्ट कैसे देना है, ठीक। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम लोग फर्स्ट मंथ में रिवीजन कैसे करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है, सो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में ही बताऊंगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसके अनुसार से यहाँ पे समझ लीजिएगा, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि मैथ में ये सब सब्जेक्ट आते हैं, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, मतलब कि मॉडर्न अलजेब्रा, ODPD, इंटीग्रल, COB, साथ ही साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस, LPP, मार्कोव चेन, इनके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ पार्ट ए भी इसमें आता है, ओके। अब देखिए, जो पहला मंथ है उसमें आपको रिविजन करना है। तो सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। पहला कैटेगरी क्या है, जिस सब्जेक्ट में आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि रिवीजन का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा, ठीक। और जो सेकंड कैटेगरी है वो है अंडर कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट, मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट जिसको आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है पढ़ने में, समझने में, और आपको लगता है कि इसमें थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक। तो इन 2 कैटेगरीज में आप सब्जेक्ट्स को पहले डिवाइड कर लीजिए, ओके। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि रेल एनालिसिस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि आपको रेल एनालिसिस का रिवीजन कैसे करना है फर्स्ट मंथ में। देखिए, जो आपके पास पहला मंथ है उसमें आप रेल एनालिसिस सब्जेक्ट को उठाइए, ठीक है। अब उसको आप 2 दिन दीजिए जिसमें कि आपके जो पास नोट्स हैं उस नोट्स को पूरी तरह समझ के 2 दिन में आप पूरी तरह कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। आपको नोट्स कैसे बनाना है और प्रिपरेशन कैसे करना है आपको ये समझना है तो मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को शेयर किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स मैंने कैसे बनाया था, ठीक। अब देखिए, पहला 2 दिन आपको नोट्स रिवीजन कर लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद और 2 दिन आपको लगाना है। इन 2 दिनों में आपको जो PYQ है उसको सॉल्व करना है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के, और आपको एक क्वेश्चन लेना है उसको सॉल्व करना है बिना देखे आंसर देखे। उसके बाद आपको बन जाता है, ठीक है, नहीं बनता है तो आप आंसर देखिए और आप देखिए कि आपसे क्यों नहीं बना है, और जो भी टॉपिक उसमें आया है आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने नोट्स उठाइए, ठीक है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको रिविजन कर लीजिए। आपको ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक नहीं बना है सिर्फ वही पॉइंट देखिए, ऐसा नहीं करना है। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको रिविजन कर लेना है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आपकी जो रिसेंट PYQ है, आपका जो पिछले बार एग्जाम हुआ था वो फरवरी 2022 में हुआ था, तो आपको ये PYQ नहीं करना है। मैं बताऊंगा कि आपको रिसेंट PYQ क्यों नहीं करना है तो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसको छोड़ के जितने भी 5 या 10 पिछले एग्जाम्स के आपको PYQ 2 दिनों में सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट दिन है 1 डे, आपको क्या करना है, जितने भी आपको ऑनलाइन क्वेश्चन मिलते हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक। उसी तरह से आपको अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप अपने नोट से जितने रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं सबको रिविजन कीजिएगा, ठीक। अब आपको ऑनलाइन क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, यूट्यूब से मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगे, और जितने भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं उनके फ्री में मॉक टेस्ट आते हैं टॉपिक वाइज, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। तो आपको ये 5 दिन देना है जो कि आपके अंडर कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट में से आते हैं, ठीक। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट करने हैं 5-5 दिन लगा के। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपके जितने भी अंडर कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट हैं उनको आपने कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए समझते हैं कि आप जिसमें फुली कॉन्फिडेंट हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ लीनियर अलजेब्रा का। मान लीजिए कि आप लीनियर अलजेब्रा में आप फुली कॉन्फिडेंट हैं, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आपको रिविजन का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इसमें भी आपको जो फर्स्ट डे है उसमें क्या करना है, आपको जितने भी आपने नोट्स बनाया है उसको ठीक तरीके से रिवीजन कर लीजिए बिल्कुल समझ समझ के, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट टू डेज आपको क्या करना है, वही करना है आपको, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, लेकिन जो रिसेंट एग्जाम है उसको छोड़ के 5 या 10 जितने भी पिछले बार एग्जाम हुए थे उनको आपको सॉल्व करना है उसी प्रकार से जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको नोट्स में जाना है और उससे जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सबको रिविजन करना है, ठीक। ऐसे करके आपको जो सारे पीवाई को सॉल्व करना है और उसके बाद एक दिन आपको सेम वही करना है, जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन आपको मिलते हैं सबको सॉल्व करना है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या जितने भी फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, ठीक। सो इसमें आपको टोटल 4 दिन लगेंगे। इसी तरह आपको जितने भी आप फुल्ली कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट हैं आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अब आपका जो अंडर कॉन्फिडेंट है वो भी कम्प्लीट हो गया और जो फुल्ली कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट है वो भी कम्प्लीट हो गया। अभी आपका पहला महीना ही चल रहा है, ठीक है, आपको पहला मंथ में ही ये सब कम्प्लीट करना है। अब क्या करना है इसके बाद देख लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है इसके बाद, आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है, आपको रिसेंट पेपर उठाना है सीएसआर नेट के लिए। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि आपको रिसेंट पेपर पीवाईक्यू में सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है जो भी रिसेंट पेपर हुए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले बार एग्जाम कब हुआ था, 2022 में हुआ था, फरवरी 2022 में। तो आपको ये पेपर उठाना है, आपको टोटल 3 घंटे लगाना है और आपको सॉल्व करना है बिल्कुल टाइमली, जैसे कि आप एग्जाम में देंगे, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन को करिए, उसके बाद आप देखिए कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है, आपका वीक पार्ट क्या है, आपका स्ट्रांग पार्ट क्या है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना, फिर वही करना है आपको, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको नोट्स या बुक्स सबके हेल्प लेने हैं, ठीक है, और आपको कंप्लीट कर लेना है अपने कॉन्सेप्ट को। आपको जो फर्स्ट मंथ है यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है आपको, मतलब कि अंडर कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट्स, फुल्ली कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट्स और एक टेस्ट दे देना है पहला मंथ में, ठीक है। अब चलिए सेकेंड मंथ में जाते हैं कि आपको टेस्ट कैसे देना है। देखिए यहाँ पे सेकेंड मंथ शुरू हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अगेन आपको रिवीजन यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा कर लेना है। जैसे कि आप सुबह उठिए, आप डिसाइड कीजिए कि आपको आज क्या पढ़ना है, जैसे कि मान लीजिए रियल एनालिसिस पढ़ना है, तो आपको उसी दिन रियल एनालिसिस के सभी टॉपिक्स को कवर कर लेना है, नोट्स में से रिविजन कर लेना है, ठीक है, और जितने भी पीवाईक्यू आपसे नहीं बने थे उसको अटेम्प्ट कर लेना है, और जितने भी अगेन ऑनलाइन क्वेश्चन मिलते हैं उसको भी अटेम्प्ट करना है, और साथ ही साथ आपसे जितने भी क्वेश्चन नहीं बन रहे और आपको लगते हैं कि ये सब आप भूल जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसको एक अलग कॉपी में लिख लेना है, लास्ट मिनट रिविजन शॉर्ट नोट्स इसके नाम से, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि बार बार भूल जा रहे हैं तो उसको आप अलग कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आप लास्ट के दिनों में उसी नोट्स को देख के आप जा सकें, ठीक है। जैसे कि कुछ फॉर्मूला भूल जा रहे हैं तो आप उस फॉर्मूला को लिख लीजिए, ठीक। इसी तरह से आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए टेस्ट कैसे देना है आपको। देखिए आपको सेकेंड मंथ में मिनिमम 5 FLT देना है, मतलब कि फुल लेंथ टेस्ट देना है। और आपको टेस्ट कैसे देना है, देखिए मान लीजिए कि आप एक टेस्ट देते हैं आज, उसके बाद आपको 2 दिन का गैप देना है, फिर बाद में एक टेस्ट देना है, ठीक है। और आपको 2 दिन का गैप में क्या करना है, देखिए आपने जो टेस्ट दिया है उनमें आप कितने मार्क्स अटेंड कर रहे हैं, आपका वीक पार्ट क्या था, आपने क्या गलती की उसे सुधारें, और अपने स्पीड को भी बढ़ाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एग्जाम के टाइम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कि 3 स्टेज में पहले इजी पार्ट, फिर मॉडरेट पार्ट और फिर हार्ड पार्ट, इन 3 स्टेप्स में आपको क्वेश्चन करना है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जैसे कि आपको समझ में आ जाए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक। और साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है कि आपका देखिए क्या गलती हो जा रहा है टेस्ट में, उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, और अपने नोट्स में अगर कुछ लगता है कि आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, और उसको बार बार रिविजन करते रहिए, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 दिनों के बाद आपको टेस्ट देना है, और फिर 2 दिनों का गैप देना है, और वह 2 दिनों के गैप में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को सुधारना है, ठीक है। इस तरह से मिनिमम आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको सेकेंड मंथ में देना है, और साथ ही साथ आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट को पूरा करने जो मैंने बताया था वो भी रिविजन करते रहना है, ठीक है। सो, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जेआरएफ निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ों को समझे होंगे, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको सर्च करना है मैथलॉग सेसर नेट, ठीक है। सो, आज की इस वीडियो में इतना ही,
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।